राजधानी रायपुर के संस्कृति विभाग सभागार कक्ष में नारा जयंती के अवसर पर पत्रकारिता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। वहीं आयोजक में मुख्य अतिथि मयंक श्रीवास्तव और मुख्य वक्ता माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के कुलपति केजी सुरेश उपस्थित रहे। वहीं मयंक श्रीवास्तव ने बताया कि यह जो पत्रकारिता का पुरस्कार सम्मान क्षेत्र में अलग ही स्थान रखता है, इस दौरान कार्यक्रम के आयोजकों को बधाई व शुभकामनाएं दी गई। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि पत्रकारिता के सिद्धांत में कोई फर्क नहीं है। पत्रकारिता का सिद्धांत वही है, टेक्नोलॉजी बदल गई है। आज भी लोग विश्वसनीय समाचार देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है। मानसिकता परिवर्तन में हमारी बहुत बड़ी भूमिका है और लोकतंत्र में हमारा विशेष भूमिका है, और डिजिटल के माध्यम से आज हम पूरे देश में जन जन तक पहुँच सकते हैं। इसका सकारात्मक सदुपयोग होना चाहिए, और इसके सामने बहुत सारे टेक्नोलॉजी के चुनौतियां हैं जिसको हमें जनता जनार्दन को समझाने की आवश्यकता है। इसलिए मीडिया साक्षरता की आवश्यकता है, अन्यथा जो है कई असामाजिक तत्व, कई राष्ट्र विरोधी तत्व इस मंच का, इस प्लेटफॉर्म का, डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, हमको इनके बारे में भी बताना ज़रूरी है कि वो कैसे सतर्क रहें। जो जिस समिति ने आयोजित किया था कार्यक्रम, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एक पहलकदमी है, और तीन लोगों को पुरस्कार भी दिया गया, और जिन लोगों को पुरस्कार दिया गया मैं उनके कृत्य से परिचित हूँ। निश्चित रूप से वो पुरस्कार को डिजर्व करते थे, और ये पुरस्कार जो है, मैं समझता हूँ जितने सारे पुरस्कार हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, उनमें एक अलग ही स्थान रखता है। मैं आयोजकों को बहुत बधाई देता हूं, पुरस्कार विजेताओं को बहुत बधाई देता हूं। देखिए, मैं तो समझता हूं कि पत्रकारिता के सिद्धांत में कोई फर्क नहीं है। पत्रकारिता का सिद्धांत वही है, टेक्नोलॉजी बदल गई है। आज भी लोग विश्वसनीय समाचार देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है।